हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लास। आई टीच यू हिंदी सब्जेक्ट और टुडे टॉपिक इज मुहावरे। यानी मुहावरे, मुहावरे क्या है? तो मुहावरा, आज हम पढ़ेंगे मुहावरे की परिभाषा। मुहावरा क्या है हिंदी में? आपको पता है मुहावरे, हिंदी व्याकरण में मुहावरे का बहुत महत्व स्थान है। जैसे वह वाक्यांश, मुहावरा क्या है? तो वह वाक्यांश यानी वाक्य का अंश, वह वाक्य का अंश जो किसी वाक्य में लगकर उसमें प्रभाव उत्पन्न करता है उसे मुहावरा कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्या वह वाक्यांश यानी वह वाक्य का अंश जो किसी वाक्य में लगकर यानी वाक्य में जुड़कर उसमें प्रभाव उत्पन्न करता है उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे यानी मुहावरे को समझने के लिए, जैसे मैं ताजमहल को देखकर आश्चर्यचकित हो गया, अगर इस वाक्य में हम मुहावरे का प्रयोग करेंगे तो हम मैं कह सकती हूँ, मैं ताजमहल को देखकर दांतों तले मैंने अंगुली दबा ली। यानी मैं ताजमहल को देख के आश्चर्यचकित हो गया। दांतों तले अंगुली दबाना ये मुहावरा है, और जब मैंने इसका प्रयोग किया तो दांतों तले अंगुली दबा ली, तो इससे मेरा जो वाक्य है वो प्रभावपूर्ण हो गया, यानी प्रभाव डालने वाला हो गया। और अगर उसको मैं सीधा प्रभाव न डालकर ऐसे कहूँ, मैं ताजमहल को देख कर आश्चर्यचकित हो गया, तो इससे ज़्यादा प्रभावपूर्ण वाक्य नहीं लगेगा। तो इसको प्रभावपूर्ण बनाने के लिए मैंने दांतों तले अंगुली मुहावरे का प्रयोग कर दिया। तो स्टूडेंट्स, आज हम मुहावरे देखते हैं। कुछ मुहावरे मैंने यहाँ लिखे हैं और उनके अर्थ भी, तो मुहावरों के साथ उनके अर्थ और प्रयोग मैं यहाँ समझा रही हूँ। और इनके अलावा आपको और भी मुहावरे जो मैं भेजूँगी वर्क में वो भी आपको करना है। तो कुछ मुहावरे यहाँ हैं, वो समझिए आप। आंखें बिछाना, आंखें बिछाना यानी आंखें बिछाना, प्रेम पूर्वक आदर करना। जैसे हम किसी मेहमान के आने पर आंखें बिछाते हैं, यानी आंखें बिछाते हैं यानी उनके सम्मान में, आदर में, उनका प्रेम पूर्वक आदर करते हैं। आंखें बिछाना का मतलब ये नहीं कि हम आंखें निकाल के बिछा देते हैं, इसका मतलब है हम प्रेम पूर्वक उनका आदर करते हैं। परंतु हम वाक्य को ज़्यादा प्रभावशील बनाने के लिए मुहावरा का प्रयोग करते हैं, आंखें बिछाना यानी प्रेम पूर्वक आदर करना। तो इसका प्रयोग मैंने बताया, प्रधानमंत्री के आगमन पे हम सभी कार्यकर्ताओं ने आंखें बिछा दी। इसका मतलब ये नहीं है कि कार्यकर्ताओं ने अपनी आंखें निकाल के बिछा दी। ये वाक्य को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए हमने आंखें बिछा दी, इस मुहावरे का प्रयोग किया है। तो दूसरा अपना सेंटेंस है, आंखों का काटा होना यानी आंखों का काटा होना, बुरा लगना। तो इसका वाक्यों में प्रयोग करेंगे आंखों का काटा होना। कोई आंखों का कोई काटा नहीं होता, तो इसका जो अर्थ है बुरा लगना। तो इसको वाक्यों में प्रयोग करने के लिए हम करेंगे रमेश, या फिर चीन भारत के लिए आंखों का काटा बना हुआ है इस टाइम पे, तो भारत के लिए चीन आंखों का काटा है। इसी प्रकार तीसरा मुहावरा देखते हैं, अंग अंग ढीला होना, अंग अंग ढीला होना, जिसका अर्थ होगा बहुत थक जाना, यानी अंग अंग ढीला होना। इसका वाक्यों में प्रयोग करेंगे हम रामदास, खेत में काम करने के बाद उसके अंग अंग ढीले हो गए। यानी रामदास खेत में काम करने के बाद बहुत थक गया, तो इसको प्रभावपूर्ण बनाने के लिए हमने किया कि रामदास के खेत में काम करने के बाद उसके अंग अंग ढीले हो गए। उसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं, अंगारे बरसना, अंगारे बरसना यानी बहुत गर्मी होना, इसका अर्थ होता है बहुत गर्मी होना। अंगारे बरसना, कोई अंगारे ऐसे आके थोड़ी बरसते हैं, वैसे ही बहुत गर्मी होना। इसका वाक्यों में प्रयोग करेंगे जून के महीने में, या मई जून के महीने में जो सूरज है वो अंगारे बरसा रहा है, यानी बहुत गर्मी दिखा रहा है।
अक्ल का पुतला होना, बहुत चतुर होना, यानी कोई अक्ल का पुतला है तो उसका अर्थ होगा बहुत चतुर होना। जो कोई बहुत चतुर है उसके लिए हम कहते हैं कि वह अक्ल का पुतला है। तो इसका वाक्यों में प्रयोग करेंगे, राम ने 8वीं या 10वीं में पास करके ये साबित कर दिया कि वह अक्ल का पुतला है। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे देखते हैं, आसमान से बातें करना। आसमान से कोई ऐसे थोड़ी बातें करता है कि आसमान कोई बोलता थोड़ी है, जो आसमान से बातें करेंगे ये एक मुहावरा है। आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। देखो हमें लगता है जैसे कुतुब मीनार आसमान से बातें कर रही है, तो कुतुब मीनार के आसमान से थोड़ी बातें करेगी, यानी उससे बहुत ऊंची है। नेक्स्ट है अपना, आव देखा न ताव, ना आव देखा ना ताव, यानी बिना सोचे समझे कोई काम करना। रमेश ने ना आव देखा ना ताव कुर्सी तोड़ दी, यानी रमेश ने ना आव देखा ना ताव और बिना सोचे समझे ही उसने कुर्सी तोड़ दी। नेक्स्ट अपना, आस्तीन का शाप होना, यानी विश्वासघाती मित्र होना। अगर कोई विश्वासघाती है तो हम बोलते हैं कि यह आस्तीन का शाप है। तो इसका वाक्यों में प्रयोग करेंगे कि रमेश को मैं अच्छा समझता था परंतु वो तो आस्तीन का सांप निकला। नेक्स्ट अपना है, ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी बढ़ चढ़कर मुकाबला करना। इसका बढ़ चढ़कर मुकाबला करना, यानी कोई हमें कुछ बोल रहा तो उसका बढ़ चढ़कर मुकाबला करना, इसका मुहावरा होगा ईंट का जवाब पत्थर से देना। जैसे कि अपने जो मोदी सरकार है उसने चीन को ईंट का जवाब पत्थर से दिया, उसी प्रकार नेक्स्ट है, दुनिया से उठ जाना, यानी दुनिया से उठ जाना, इसका अर्थ होगा मर जाना, यानी कोई मर जाता है तो उसको बोलते हैं दुनिया से उठ गया। जैसे राम के पिताजी दुनिया से उठ गए, या कोरोना के कारण कई लोग दुनिया से उठ गए। नेक्स्ट है अपना, उल्लू सीधा करना, यानी इसका जो अर्थ होगा वो होगा अपना स्वार्थ निकालना, यानी अपना स्वार्थ निकालना उसका होगा उल्लू सीधा करना, यानी अपना स्वार्थ निकालने के लिए जो मुहावरा यूज में लेंगे वो होगा उल्लू सीधा करना। यानी रमेश एक ऐसा व्यक्ति है या ऐसा लड़का है जो अपना उल्लू सीधा करके दूसरों को भूल जाता है। उल्टी माला फेरना, बुरा सोचना, यानी बुरा सोचने के लिए जो मुहावरा आएगा वो है उल्टी माला फेरना। और इसका वाक्यों में प्रयोग होगा, जैसे दुष्ट लोग उल्टी माला फेरते रहते हैं, यानी दुष्ट लोग उनकी बुरा सोचते रहते हैं हमेशा। उगल देना, नेक्स्ट अपना, उगल देना यानी भेद बता देना, यानी अगर किसी का भेद बता देते हैं तो उसके लिए उसका मुहावरा होगा उगल देना। तो इसका जो वाक्यों में प्रयोग होगा कि जो विभीषण था उसने रावण का भेद बता दिया था राम को, यानी विभीषण ने राम को रावण का भेद बता दिया था, भेद बताने के कारण ही तो रावण का अंत हुआ था। नेक्स्ट अपना है, एडी चोटी का जोर लगाना, यानी पूरी कोशिश करना। मेहनती लोग या फिर सरकारी जैसे जॉब है उसको प्राप्त करने के लिए लोग एडी चोटी का जोर लगा देते हैं, यानी पूरी कोशिश करना। क्या राम ने टीचर बनने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट अपना है, श्री गणेश करना यानी शुरू करना, यानी कोई काम शुरू करते हैं तो उसको वाक्यों में जब मुहावरा बनाते हैं, मुहावरे में प्रयोग करते हैं तो उसका होगा श्री गणेश करना। जैसे अपने मेहता डिजिटल क्लास का श्री गणेश कब हुआ, 6 जुलाई को हुआ, या 6 जुलाई को मेहता डिजिटल क्लास का श्री गणेश हुआ। नेक्स्ट अपना, कान खड़े होना यानी चौकन्ना होना, चौकन्ना होना, जैसे पुलिस
चोर के लिए चौकन्ना हो जाती है, अपराधियों के लिए चौकन्ना हो जाती है, तो उसको अगर मुहावरे में प्रयोग करेंगे तो कान खड़े करना, या चोर पुलिस के आते ही कान खड़े हो जाते हैं, चोरों के पुलिस के आते ही कान खड़े हो जाते हैं। कमर टूटना, सहारा समाप्त होना, यानी सहारा, अगर मान लो हमारा सहारा समाप्त हो जाता है तो बोलते हैं उसकी कमर टूट गई। इसका वाक्यों में प्रयोग करेंगे कि रीना के पिता के मरते ही जैसे मान लो उसकी कमर ही टूट गई हो। नेक्स्ट अपना कान का कच्चा होना, यानी सुनी सुनाई बात पे विश्वास करना। जो सुनी सुनाई बात पे विश्वास करता है उसके लिए मुहावरा है कान का कच्चा होना। जैसे हम कह सकते हैं कि मैम से मजाक मत करना क्योंकि वो कान की कच्ची है। नेक्स्ट अपना है कन्नी काटना, यानी सामने न आना, यानी कन्नी काटना किस पास उससे दूरियां बनाए रखना, सामने नहीं आना, सामने नहीं आना का कन्नी काटना। जैसे रमेश अपना काम निकल जाने के बाद कन्नी काटता रहता है, यानी दूरी या सामने नहीं आता, वो दूरी बनाता रहता है। कलम तोड़ना, कलम तोड़ना अपूर्व लेखन कार्य करना। जैसे कवि ने 4-5 कविताएं लिखकर अपनी कलम तोड़ दी, उसी प्रकार नेक्स्ट है चल बसना, मर जाना। इसका मर जाना, मर जाने का के लिए जो मुहावरा होता है चल बसना, यानी इसका वाक्यों में प्रयोग करेंगे राधिका के पिताजी चल बसे, ठीक है। नेक्स्ट अपना है घाट घाट का पानी पीना, अनुभव प्राप्त करना। तो इसका कह सकते हैं, इसका वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं कि रमेश एक अच्छा टीचर है क्योंकि उसने घाट घाट का पानी पिया है, या फिर किसी हॉस्पिटल के कि वो डॉक्टर अच्छा है क्योंकि उसने घाट घाट का पानी पिया है, क्योंकि उसने अनुभव प्राप्त किया है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे हमने ये मुहावरे किए वैसे और भी मुहावरे हैं, वो आपको नोटबुक में करना है, जो आपको मैं वर्क में दूंगी वो मुहावरे आपको पूरे नोटबुक में करना है, साथ ही आपको लर्न करना है। एक बार वीडियो ऑफ होने से पहले हम मुहावरे की परिभाषा और देख लेते हैं। तो मुहावरा क्या है? वह वाक्यांश जो किसी वाक्य में लगकर उसमें प्रभाव उत्पन्न करता है उसे मुहावरा कहते हैं। यानी वह वाक्यांश, वाक्य का अंश जो किसी वाक्य में लगकर उसमें प्रभाव उत्पन्न करता है उसे मुहावरा कहते हैं। थैंक्स।